आज हम हिंदी 100 मार्क्स के सेट फर्स्ट को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो चलते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भूषण की कविता है, तो जो भूषण की कविता है वो कवित्त है। सेकंड क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द जो है सरोज है। फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज जो है बहुव्रीही समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं, तो जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वो प्रेम मार्गी कवि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, जो भगत सिंह के पिता और चाचा थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कायर का विलोम है, कायर का विलोम होता है बहादुर। घर नेक्स्ट देखेंगे चिड़िया मार कौन सा समास है, जो चिड़िया मार है वो तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, तो जो सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मनोहर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राजेंद्र का संधि विच्छेद है, राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है राज प्लस इंद्र। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है उसको एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम वाचाल कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आजन्म कौन सा समास है, आजन्म जो है अव्ययी भाव समास है। फिर नेक्स्ट है सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, मतलब सिपाही की माँ का नाम क्या था या निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है विष्णी। सिपाही की जो माँ है उसका नाम विष्णी था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तिरछी के रचनाकार कौन है, तो तिरछी के जो रचनाकार है वो उदय प्रकाश जी हैं। फिर नेक्स्ट है चक्रपाणी कौन सा समास है, जो चक्रपाणी है वो तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रतिविधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिविधि में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग मतलब किसी वाक्य के पहले पहले में लगा हो उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय मतलब किसी शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाथ पैर कौन सा समास है, जो हाथ पैर है वो द्विगु समास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ होता है भूखमरी की स्थिति। फिर नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जो फणीश्वर नाथ रेणु थे उनकी कौन रचना है, तो वो है मैला आंचल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आस्तिक का विप्रार्थक शब्द होता है, आस्तिक का जो विप्रार्थक शब्द होता है वो नास्तिक होता है। फिर नेक्स्ट है रघुवीर सहायक ने किस विषय में एमए किया, जो रघुवीर सहाय थे वो किस विषय में एमए किए थे, तो वो है अंग्रेजी विषय में उन्होंने एमए किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है, मतलब हमारे नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं कवियों के नाम और पूछ रहे हैं कि किस कवि का नाम मतलब मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र है, तो वो है हमारे नागार्जुन जी। फिर नेक्स्ट है छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, तो वो छात्रावास कहलाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे किस रचनाकार की पंक्तियाँ है नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही का माला है, तो वो जो है ऑप्शन डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर ने इस पंक्तियाँ को कहा था कि नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई एक माला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन का संधि विच्छेद है, तपोवन का संधि विच्छेद जो होता है तप प्लस बल होता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में जो है उपसर्ग लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना है, प्रेमचंद्र की जो रचना है वो है पूस की रात। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाने मुहावरे का अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना। फिर नेक्स्ट है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तुलसीदास जो है अलगावादी कवि माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदानीरा के लेखक हैं, ओ सदानीरा के लेखक मैनेजर पांडे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है, ओ सदानीरा का संबंध जो है निबंध से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, जहाँ पहुँचना कठिन है वो दुर्गम कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाशित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रकाशित सी, मतलब सी हम जब बोलते हैं तो उसमें लास्ट में ई आता है और लास्ट में त है, तो जो प्रत्यय है वो शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो इसका आंसर जो होगा इत होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, जो नाक काटने का मुहावरे का अर्थ होता है अपमानित कहना। फिर नेक्स्ट है, बातचीत निबंध के निबंधकार है, तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सज्जन का संधि विच्छेद होता है, सज्जन का जो संधि विच्छेद होता है वो सत्य प्लस जन होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को यश प्राप्त होता है उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यशवी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पुत्र वियोग में माँ ने किसको भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा, मतलब पुत्र वियोग में माँ जो थी किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है, तो वो है ठंड के भय से पुत्र वियोग में माँ अपने बच्चों को गोद से नहीं उतारती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जो जिस शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, तो बड़प्पन में जो है अपन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, सदाचार का संधि विच्छेद होता है, सदाचार का संधि विच्छेद करना है, तो इसका जो आंसर होगा सदा प्लस आचार होगा, ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारे लेखक चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं उनमें से कौन सी कहानी उसकी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, उसने कहा था यह कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लीनाम्बर कौन सा समास है? नीलाम्बर जो है कर्मधारक समास है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से कवि निरक्षण थे? तो हमारे कबीरदास जो थे निरक्षण थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महेश का संधि विच्छेद करें, महेश का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन ए होगा, महेश महा प्लस ईस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन ए सही है हमारा, डिग हांकना, मतलब जो भी कोई व्यक्ति ऐसे ही हवा में बात करता है उसको हम लोग गाल बजाने कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है, जो मीरा थी वो अपना प्रीतम मतलब पति किसे माना है, तो वो कृष्ण भगवान को माना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा कुमारी चौहान की कविता है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चार ऑप्शन है, उसमें ढूंढना है कि सुदामा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है, तो वो है हमारे ऑप्शन ए पुत्र वियोग जो है सुदामा कुमारी चौहान की कविता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, मतलब जहाँ पर सेना रहती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, छावनी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन जो है अव्ययीभाव समास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसी का विलोम होता है, आलसी का जो विलोम होता है वो होता है परश्रमी। आलसी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कोई काम ना करता हो और दिन भर सोता रहता है, उसका मतलब आलसी होता है, और परश्रमी का मतलब होता है जो व्यक्ति मेहनत करके खाता हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं, अधिनायक शीर्षक कविता के जो कवि हैं रघुवर सहाय है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।